तो मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम डिस सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे समझेंगे, और इससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है इसकी, मतलब रिटायरमेंट डेथ, तो आप देख सकते हो। लेकिन ये चैप्टर कम्प्लीटली डिफरेंट है बाकियों से। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म को ही बंद करने वाले हैं। इसको बोलते हैं डिस सॉल्यूशन, कि जब कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा कि पार्टनरशिप चलाने का मतलब ही नहीं है, तो पार्टनरशिप बंद कर देते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म है ये। अगर हम कहते हैं डिसोल्यूशन, खाली वो पार्टनरशिप, खाली पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन कर रहे हैं, उसमें होता है एग्रीमेंट को चेंज करना। वो आपने पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका मतलब कि किसी का एडमिशन करना, प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज करना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है पार्टनरशिप ही बंद कर देनी है। तो जब पार्टनरशिप फर्म बंद कर देनी है तो क्या होता है, जितने भी फर्म में एसेट्स हो गए उसको बेच देंगे, उसको रखेंगे संभाल के। हम क्या करेंगे पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए, बंद करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सारे के सारे एसेट्स को बेचेंगे, जो भी मेरे पे उधारी है, लाइबिलिटीज है, उनको चुका देंगे। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, लाइबिलिटी को चुकाना पड़ेगा, वरना वो आ जाएगी मेरे पास मांगने के लिए, पार्टनर्स पे आ जाएगी मांगने के लिए, भाई लाइबिलिटी, भाई पैसे दो मुझे। तो हमें उसको चुकाना है, और चुकाने के लिए क्या करेंगे, एसेट को बेचेंगे, और इसको एसेट को बेचेंगे, लाइबिलिटी को पे करेंगे, इसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे ये सब करने के लिए। उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है, ध्यान से बनना। तो जो हम अकाउंटिंग करेंगे इसके अंदर डिसोल्यूशन में, कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले एक अकाउंट बनाएगा, उसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, जी हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट का, रियलाइजेशन का मतलब ही यही है, पैसे को बेचना, एसेट को बेचना और उससे लाइबिलिटी को पे करना, रियलाइजेशन बोलते हैं उसे। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में पैसे जहाँ से आते हैं, और उसके बाद एसेट को बेच के लाइबिलिटी को चुका के अगर कोई पैसा बच गया तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देगी इस अकाउंट से। समझा रही बात, ये बनाने वाले रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अब पार्टनर बिजनेस में, अब तो भैया पार्टनरशिप बंद हो रही है, तो पार्टनर की जो कैपिटल लगाई थी पार्टनर ने, उसको वापसी देनी है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर हिसाब किताब पूरा कर देंगे, जो भी पार्टनर से लेना था या उसको देना था सब दे देंगे। लास्ट में चेक करेंगे कि उसको पेमेंट क्या देनी है या उसे मंगाना है बस। कि कई बार क्या होता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट बना सा रखता है, तो फिर उसको पैसा उसे मंगाना पड़ता है, या फिर क्रेडिट क्रेडिट बना सारा होता है तो उसको पैसा देना होता है, तो चुका देंगे सारा पैसा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करना है, जो भी कैपिटल होगी लास्ट में आ रही होगी उसको चुका देने के, या उससे मंगा लेंगे, सिचुएशन में डिपेंड करता है। उसके बाद एक और अकाउंट बनेगा, उसका नाम है कैश या बैंक अकाउंट। ये जो भी, क्योंकि हम पैसे, अब इसमें पैसे, पैसे के हिसाब किताब बहुत ज़्यादा होगा, कभी पैसे, कभी एसेट बेचेंगे पैसा आएगा, लाइबिलिटी को पे करेंगे तो पैसा जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पैसा किसी को देंगे लास्ट में जाके या मंगाएंगे, तो ये पैसे का हिसाब किताब कितना आ रहा है कितना जा रहा है उसके लिए अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा ना, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। क्योंकि पता चले कि मेरे बिजनेस में कैश जो था उसको मैंने इस्तेमाल कैसे किया, ठीक है ना। तो वो इसलिए पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होगा, और तो इसलिए पैसे का लेन देन दिखाने के लिए हमें पैसे वाला अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा ना, वरना समझ नहीं आएगा, इसलिए ये अकाउंट बनाना जरूरी है, पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद कुछ और अकाउंट भी बन सकते हैं दो, उसको भी ध्यान से समझ लो। कई बार पार्टनर को हमने लोन दिया होता है, ठीक है ना, वो लोन अकाउंट भी बंद करना होगा। पार्टनर को लोन दिया होता है उसको क्या बोलते हैं, लोन बाय फर्म टू पार्टनर, उसका भी कई बार अकाउंट बनाना पड़ता है। कि लोन अगर फर्म ने पार्टनर को दे रखा है तो वो लोन बाय फर्म पार्टनर टू अकाउंट बनाऊंगा और वहाँ पर लोन चुका दूंगा, क्योंकि मैं अब बिजनेस बंद करो, लोन का कोई मतलब नहीं, पार्टनर का सब चुका दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर से हमने लोन लिया, एक तो है कि हमने लोन दिया पार्टनर को, एक होता है पार्टनर से लोन दिया, लोन बाय पार्टनर।
अगर पार्टनर से हमने लोन लिया है वो भी हम क्या करेंगे उस लोन का पैसा उससे मंगा लेंगे, क्योंकि अगर पार्टनर से लोन लिया है, ठीक है, सॉरी लोन पार्टनर से अगर लिया है तो हमें चुकाना पड़ेगा, तो उसको चुका देंगे। एक होता है फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उससे पैसा मंगाना है ना, अगर हमने लोन दिया किसी को तो उससे पैसा मंगाना होता है, तो मंगाएंगे यहाँ पर और इस अकाउंट्स बना के मंगाएंगे। और यहाँ पर पार्टनर को, अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है इस अकाउंट में, इस अकाउंट क्या है लोन पर पार्टनर से लोन लिया है तो हमें चुका देना इस अकाउंट में। तो ये पांच तरीके के अकाउंट इसमें बनते हैं जब डिसोल्यूशन होता है। हम अभी स्टार्ट करेंगे एक बेसिक जनरल एंट्री से कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं, ध्यान समझते पहले, ठीक है, जनरल एंट्रीज को समझते हैं इसकी। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं अगर डिसोल्यूशन होता है, बेसिक जनरल एंट्री की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट लेंगे, लेकिन उसको बनाने के लिए जनरल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जितने भी एसेट्स है, क्योंकि एसेट को बेचना है, जितने भी एसेट्स है उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट बेचना है, तभी तो बेचूंगा। आपने सारे के सारे एसेट्स जितने भी है आपके बिजनेस में, सबसे पहले उसको कहाँ बेच देना है, रियलाइजेशन अकाउंट में बेच देना है, फिर वहाँ से उसको बेचूंगा और पैसा आएगा तो लाइबिलिटी को चुकाऊंगा। तो सबसे पहली एंट्री होगी कि एसेट को ट्रांसफ़र करने की, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को ट्रांसफ़र करने की, जितने भी एसेट है, सन्ड्री एसेट बोल सकते हैं उसे, जितने भी एसेट्स है। एसेट का बैलेंस होता क्या है, डेबिट, जितनी भी एसेट है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अगर उन सभी एसेट के अकाउंट को बंद करके, क्योंकि एसेट को सारे अकाउंट को बंद करना है, क्योंकि अब बिजनेस खत्म, मैंने डिसोल्यूशन करो, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, अब वो एसेट के बैलेंस पड़े नहीं रखने, एसेट के बैलेंस को अकाउंट को ही बंद कर देना। एसेट के अकाउंट को बंद कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि कैश का अकाउंट है, कैश के अकाउंट का बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट बैलेंस आता है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे लिखा आता है ना। अब ये अकाउंट को अगर मुझे बंद करना है, क्योंकि अगर अकाउंट चलता रह गया तो ये बैलेंस, अगर बैलेंस रह गया तो अकाउंट चलता रह गया तो अकाउंट बंद नहीं, अकाउंट बंद करना है, क्योंकि बिजनेस बंद तो अकाउंट बंद करना है, अकाउंट बंद करने क्या करूँ, इस अकाउंट को कहाँ बेचना, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर मैं इस अकाउंट में यहाँ पर भी एंट्री कर दूँ उतनी से, और कहाँ बेच दूँ, रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा। तो एसेट को बंद, अकाउंट को बंद करने के लिए डेबिट है ना, तो उसको क्रेडिट कर देना। तो जितने भी एसेट्स हैं वो सब को आपने क्रेडिट कर देना है, सारे एसेट को अकाउंट को बंद करना है, और कहाँ भेज देना है, रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है, और सन्ड्री एसेट्स जितने भी एसेट है सबको यहाँ भेज देना। तो पहली एंट्री ये होगी, यहाँ आएगी बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड, सारे एसेट को ट्रांसफर कर दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट में, समझ आएगी बात। लेकिन कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं करने, इसको ध्यान समझ लो, एक्सेप्ट कौन से एसेट को ट्रांसफर नहीं करना, फिक्टिशियस एसेट को तो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करना। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपने कई बार देखा होगा, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये नहीं आता कभी भी, ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो जो फिक्टिशियस एसेट होते हैं वो कभी नहीं आता। साथ ही साथ कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस कभी ना कर देना ट्रांसफर भैया, क्योंकि इसका तो मैंने क्या बताया था अभी पीछे, इसका तो अकाउंट बनाएंगे हम अलग से, तो इसका जो बैलेंस होगा वो उस अकाउंट में भेज दूंगा, क्योंकि इसका अलग अकाउंट बना रहे हो सेपरेट, तो ये नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। बस ऐसे लोन वगैरह का बैलेंस नहीं आएगा, मान लो मैंने पार्टनर से, पार्टनर को लोन दिया था, जो मैं बताता लोन बाय फर्म टू पार्टनर, उसका भी अलग अकाउंट बना रहा हूँ ना मैं, वो एसेट है वैसे लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट, क्योंकि इसका अलग अकाउंट बना रहा हूँ तो इसका बैलेंस यहाँ थोड़ी ट्रांसफर करूँगा फिर, ये चीज़ ध्यान समझ लो। गुडविल ट्रांसफर होगा, ये बहुत ध्यान समझ लो, इस चैप्टर में गुडविल को एक नॉर्मल इनटेंजिबल एसेट मानना है, ठीक है, इसका आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ऐसा नहीं करना गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया जैसे पहले करते थे कि बैलेंस शीट में गुडविल दिखी तो उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, ना ऐसा नहीं करना, क्योंकि किसी का कोई एडमिशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो बिजनेस बंद कर रहे हैं तो गुडविल की वैल्यू होती है, इंटेंजिबल एसेट होता है, उसको आप, वो उसको बेच सकते हो मार्केट के अंदर, तो उसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है,
जिस भी एसेट को बेच के पैसा आ सकता है उसको ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद लाइबिलिटी को भी यहाँ पर पहले ट्रांसफर करना है। जैसे मैंने एसेट को ट्रांसफर कर दिया, एसेट को ट्रांसफर कर देना मैंने, ऐसे ही लाइबिलिटी को अकाउंट भी तो बंद करना है मुझे। क्या लाइबिलिटी का अकाउंट बंद नहीं करूँगा जब एसेट का अकाउंट बंद कर दिए? बिजनेस बंद हो रहा है तो लाइबिलिटी का अकाउंट भी तो बंद करना है। अब लाइबिलिटी के अकाउंट कैसे बंद करते हैं? जैसे एसेट को किया था, लाइबिलिटी के जितने भी बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लाइबिलिटी के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यहां पर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर मैंने लाइबिलिटी के अकाउंट को बंद करना है तो क्या करेंगे? तो लाइबिलिटी को डेबिट कर दूंगा। अगर मैं डेबिट साइड पे उतने ही अमाउंट से लिख दूँ, एंट्री कर दूँ, और कहाँ भेज दूँ? रिलाइजेशन अकाउंट में, तो लाइबिलिटी का अकाउंट बंद हो गया। तो इसलिए लाइबिलिटी के अकाउंट को बंद करने के क्या करूँगा? डेबिट। तो जितनी भी लाइबिलिटी है, सेंट्री लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको क्या कर दूँगा? डेबिट। और कहाँ भेज दूँगा? रिलाइजेशन अकाउंट में। तो पहली एंट्री ये होने वाली, समझ आ रही बात? यहाँ लिखेंगे बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर। यहाँ पर ना नाम आ जाएगी लाइबिलिटी के, जैसे कि बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सबके नाम आते रहेंगे, टू रिलेशन अकाउंट, ऐसे होगी एंट्री। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी? तो एक तो पार्टनर का लोन, अगर आपने पार्टनर से लोन लिया था उसके तो अकाउंट बना लो अलग से, तो वो लाइबिलिटी कभी ट्रांसफर नहीं होगी। लोन बाय पार्टनर अकाउंट, वो नहीं होगी कभी ट्रांसफर। ठीक है, तो मैं अगली बात ये नहीं होगी। सब एक बात और समझ लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई बार रिजर्व होते हैं, आपने देखा होगा रिजर्व वगैरह ये सब पार्टनर के होते हैं, जनरल रिजर्व पार्टनर बढ़ता है, वो सब पार्टनर कैपिटल में जाएगा। हाँ, अनलेस एंड अंटिल जैसे कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कई बार उसका बैलेंस कम पड़ जाता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट से ले लेते थे ना बैलेंस, रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व कई बार रेवोल्यूशन अकाउंट में आ जाता था, तो तब यहाँ पर भी आ सकता है रिलेशन अकाउंट में, वैसे नहीं आएगा वो। पर ये बात समझनी आपको, ठीक है, यही बात समझनी, यही आपको मेन चीज़ समझनी है, बाकी तो साइड लाइबिलिटी आती है। हाँ, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कभी ना लिख देना, ये भी ध्यान समझ लेना बस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस नहीं आएंगे, वो भी लाइबिलिटी साइड पे लिखा होगा, उसका अकाउंट ना हो, जिस चीज़ का अकाउंट अलग से बना रहा हो वो उसके बैलेंस कभी नहीं होगा ट्रांसफर, बस। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लिखा आगे क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे, वो तो पार्टनर बटेगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, जो पार्टनर बटेगा वो पार्टनर में बटेगा, वो लाइबिलिटी यहाँ ट्रांसफर नहीं करूँगा, बस इसके लिए ट्रांसफर करना, बस ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है कि हाँ भाई एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, अब इस अकाउंट के अंदर लाइबिलिटी को भी ट्रांसफ़र कर दिया इस अकाउंट, अब मैं बेचना स्टार्ट करूँगा, अब मैं एसेट को बेचूँगा। तो देखो बेचने की एंट्री क्या होती है, एसेट के अकाउंट बंद हो चुके हैं सारे, कहाँ पहुँच चुके हैं? रिलेशन अकाउंट। अगर अब मुझे एसेट को बेचना है तो एसेट के अकाउंट तो बंद हो चुके हैं, एसेट के अकाउंट बंद हो चुके हैं, यहाँ चुके हैं, अब एसेट को बेचने के लिए किस अकाउंट का बैलेंस इस्तेमाल करूँगा? रिलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि एसेट का तो अकाउंट बंद हो चुका है। अगर कोई एसेट है, मान लो मैंने बेचा, तो बेचा तो वो एसेट कहाँ पर था? इस अकाउंट के डेबिट साइड पर था। तो अगर वो एसेट को बेचा और पैसा आया तो ये अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, इसको समझना है। जैसे कोई एसेट को बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट का नाम होता है, जैसे फर्नीचर बेचा मैंने, टू फर्नीचर अकाउंट ऐसे लिखते थे ना मेरे भाई। अब फर्नीचर अकाउंट ही बंद हो चुका है, वो फर्नीचर अकाउंट कहाँ पहुँच चुका है? रिलाइजेशन अकाउंट। तो फर्नीचर का नाम बदल के अब क्या हो चुका है? रिलाइजेशन अकाउंट हो चुका है। तो इसलिए एंट्री का नाम बदल के भी क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे कोई फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर अकाउंट ही ले सकता मैं, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट बंद हो चुका है, उसकी जगह नाम क्या आ गया, वो कहाँ ट्रांसफर कर देता? रिलाइजेशन अकाउंट में। तो नाम क्या आएगा यहाँ पर फर्नीचर की जगह? रिलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मैंने उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया उस अकाउंट को? कोई भी एसेट हो वो कहाँ ट्रांसफर कर देता? तो जब भी कोई भी एसेट बेचेंगे
जो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है तो क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट ही आएगा, बस इसी को ध्यान से रखना। एसेट का नाम नहीं आएगा, वो अकाउंट ही बंद हो चुके हैं, वो अकाउंट बंद होगी कहाँ पहुँच चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब भी एसेट को बेचेंगे तो क्रेडिट तो करते हैं, आपको पता है एसेट आपने जनरेट सीखी हुई है, एसेट को क्रेडिट करते जब भी बेचते हैं, लेकिन वो एसेट का अकाउंट बंद हो चुका है तो उसका नाम क्या आ जाएगा, रियलाइज अकाउंट, क्योंकि वो एसेट को कहाँ ट्रांसफर कर देगा यहाँ पर। तो ये एंट्री होगी एसेट को बेचने की। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, कोई भी एसेट बेचा यहाँ लिख देना, समझ आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। कई बार क्या होता है एसेट को बेचा नहीं, वो पार्टनर उठा के ले गया, तब एंट्री क्या होगी। कई बार एसेट को बेचा नहीं, पार्टनर मान लो कह रहा है कि स्टॉक को बेचना था, बट स्टॉक पार्टनर टेकन ओवर, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर। जब कोई एसेट पार्टनर उठा के ले गया तो एसेट को जो बेच के मुझे पैसा आना था वो पैसा नहीं आ पाया, तो वो पैसा मैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिया, क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए फर्म को, एसेट को बेचा है, बेच के पैसा आना था वो वाला, अगर वो पार्टनर उठा के ले गया तो उसकी कॉस्ट पार्टनर को देनी होगी अपने पैसों से, और उसका पैसा कैपिटल अकाउंट में है, तो मैं उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा उस वो जितने का एसेट उठा के ले गया है। और एसेट जब भी कम होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे एसेट था, तो अगर एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे एसेट सारे पड़ेगा, उस एसेट को कम कर दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट भी कम होगा, कम कैसे होगा, क्रेडिट साइड, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। जब भी एसेट बिका या कम हो गया एसेट तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर था, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल आ गया, ये चीज़ है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग कोई भी एसेट होगा उसका नाम आ जाएगा, जैसे स्टॉक फर्नीचर टेकन ओवर बाय पार्टनर का नाम आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि एस कैपिटल अकाउंट किसी का नाम आ गया, ये चीज़ होती है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगली एंट्री देखते हैं, जैसे कि लाइबिलिटी को पेमेंट की एंट्री देखते हैं। लाइबिलिटी को पे करा, उसकी एंट्री क्या होगी, भैया लाइबिलिटी कहाँ पर थी, लाइबिलिटी को कैसे ट्रांसफर किया था, लाइबिलिटी सेंडरी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट, ये ट्रांसफर किया था ना, तो लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया था रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। लाइबिलिटी को पे करने की वैसे एंट्री क्या होती है, जैसे कि मान लो क्रेडिटर को पे किया तो एंट्री पता क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये एंट्री होती है ना लाइबिलिटी को पे करने, मेरा पैसा कम हो जाता है कैश या बैंक अकाउंट, लेकिन इस बार क्रेडिटर अकाउंट नाम तो आने गया नहीं, क्योंकि सारे क्रेडिटर कहाँ पहुँच चुके होंगे, सारी लाइबिलिटी कहाँ पहुँच चुकी होगी, रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पहुँच चुकी होगी, क्रेडिट साइड, तो लाइबिलिटी ये सारी लाइबिलिटी रिलाइजेशन अकाउंट में पहुँच चुकी है क्रेडिट साइड पर, तभी तो पेमेंट करने के लिए डेबिट करते हैं लाइबिलिटी को, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, पेमेंट करते तो डेबिट करते उसको, तो ये सारी लाइबिलिटी को वहाँ पहुँच चुके हैं, ये अकाउंट ही बंद हो चुका है, तो ये इसका नाम बदल के क्या आ जाएगा, रिलाइजेशन अकाउंट। बस एंट्री में फ़र्क ये होगा कि किसी भी एसेट का नाम नहीं आएगा, किसी भी लाइबिलिटी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी ट्रांसफ़र हो चुकी है किस अकाउंट में, डैश अकाउंट में, तो उसी का नाम आएगा, तो डैश अकाउंट डेबिट, जो तुम इस लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट करते थे पहले एंट्री में, अब इसको डेबिट करो टू वही कैश या बैंक अकाउंट, जो तुम एंट्री की तो यही होती है ना पेमेंट करने की, पैसा कम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग कोई भी लाइबिलिटी पे करी है तो बीइंग लाइबिलिटीज पेड। इसी तरीके से कोई कह सकता है पार्टनर, जैसे एसेट उठा के ले गया, ऐसी पार्टनर कह सकता है कि भाई लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं पे कर दूंगा आपकी लाइबिलिटी, तो अगर कोई लाइबिलिटी उठा के ले गया पार्टनर, तब एंट्री क्या होती है, भैया लाइबिलिटी उठा के ले गया, अब फर्म को लाइबिलिटी पे करनी थी, यानी कि पैसा किसी को देना था, तो अगर किसी को देना था, अगर वो लाइबिलिटी, अब मान लो मैंने ए को पैसा देना था, पार्टनर कह रहा है मैं दे दूंगा, तो वो पैसा तो फर्म को जाना ही था, अब पार्टनर कहेगा कि अगर मैं पे कर दूंगा भैया लाइबिलिटी तो मुझे पैसा दो, अपने जेब से पे करेगा पार्टनर, पार्टनर मान लो मैं पार्टनर हूँ, मुझे 20,000 रुपये लाइबिलिटी पे करनी है फर्म को, तो क्या अपनी जेब से पे करूँगा, क्या किससे लूँगा पैसा, फर्म से लूँगा ना, तो फर्म को पैसा देना होता है, तो इसलिए एंट्री तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होना है, मतलब जब भी लाइबिलिटी कम होगी
तो रिलायंस अकाउंट डेबिट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी एसेट कम होगा तो रिलायंस अकाउंट क्रेडिट होता है, ऐसे जब भी लाइबिलिटी को पे होगी तो रिलायंस अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन नाम बदल के टू में कैश या बैंक अकाउंट नहीं आएगा। पार्टनर पैसा मांग रहा है, इस बार पार्टनर उठा के ले गया लाइबिलिटी, तो पार्टनर कहेगा फर्म भैया मुझे तो पैसा दो, अपनी जेब से पे करूँगा। तो फर्म कहेगा ठीक है, हमें तो पैसा देना ही था, हम उसकी जगह तेरे को दे देते हैं, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। जो पार्टनर उठा के ले गया उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। समझ आ गई बात? तो ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर का नाम आ जाएगा, जैसे ए बी कोई भी लाइबिलिटी उठा के लेंगे लाइबिलिटी का नाम आ जाएगा। तो सिंपल आपको समझना है भैया, सबसे आसान एंट्री रिसोल्यूशन में किसी अकाउंट का नाम नहीं आएगा, कोई लाइबिलिटी का अकाउंट नहीं खुलेगा। आप देखोगे सारी एंट्री में तीन चार अकाउंट ही आएंगे, रिलायंस अकाउंट आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा, कैश या बैंक अकाउंट आएगा बस, या लोन वाला का सकता है अकाउंट बस, और कुछ नहीं आने वाला। कोई भी एंट्री हो दिमाग में बात घुसा लेनी है, कोई एसेट का नाम ना नहीं देना किसी अकाउंट का भी, क्योंकि वो सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं, कोई लाइबिलिटी का अकाउंट नहीं देना, सारे बंद हो चुके हैं। तो बस उस एंट्री में लाइबिलिटी का अकाउंट की जगह उस रिलायंस अकाउंट का नाम दे देना, बस ये फ़र्क है। ये बेसिक एंट्रीज थी आज की वीडियो के लिए। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री बताऊंगा, ठीक है, ये मेन चीज़ बताने वाला हूँ, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलती है अगली वीडियो में।